आज माननीय हाईकोर्ट ने मंत्री श्री नवाब मलिक इनकी अर्जी खारिज कर दी है और ईडी ने जो कार्रवाई उनके ऊपर की उसको जायज ठहराया है। सरदार शाह वली खान मुंबई बम विस्फोट का आरोपी, दाऊद का गुर्गा और सलीम पटेल दूसरा दाऊद का राइट हैंड, हसीना पार्कर का राइट हैंड, इनके माध्यम से कौड़ियों के भाव जमीन खरीद कर झूठे पेपर तैयार करके और जमीन के मालिक को एक पैसा दिए बिना और हसीना पार्कर को पैसा देकर जिस प्रकार का ये व्यवहार हुआ और ये पैसा हसीना पार्कर के माध्यम से दाऊद के पास और उसके माध्यम से टेरर फंडिंग में ही जाता है, ऐसी सारी चीजें ये स्पष्टता से आने के बावजूद राज्य की सरकार अभी भी नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं ले रही है। मेरा सवाल है सरकार को, कौन सा दबाव आपके ऊपर है? क्या दाऊद का दबाव है इसलिए नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है? हमारी मांग है नवाब मलिक का मंत्री पद का इस्तीफा तुरंत लिया जाए या उद्धव ठाकरे जी ने उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।